नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस प्री 2019 का पेपर आपको 15 दिसंबर को हो चुका है और आज हम बात करेंगे इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने पेपर दे भी दिया है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आंसर भी बताए गए हैं, तो आप लोगों ने अपने पेपर्स भी मैच किए होंगे। तो कट ऑफ की बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका पेपर का लेवल किस तरह का था। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पेपर के लेवल के बारे में, तो इसका जो पेपर का लेवल था, ये कहा जा सकता है कि मॉडरेट टू टफ लेवल का आपका पेपर था। और एक ऐसा पेपर यहाँ पर आया हुआ था जहाँ पर यूपी पीसीएस का पेपर था और इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल कुछ भी नहीं पूछा गया, आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चन उसके। तो पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो मॉडरेट टू टफ ही है, काफ़ी लोगों से मैंने जानकारी प्राप्त की और सभी ने ज़्यादातर मुझे यही बताया कि पेपर टफ था। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो पेपर आया हुआ था आपका, इसमें साइंस एंड एनवायरनमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट टू टफ लेवल के थे। साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर फोकस ज़्यादा किया गया था और उसमें भी काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पेपर ओवरऑल जो पेपर आपका था वो मॉडरेट टू टफ था। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो दोस्तों, इसकी कटाव जाने के कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर बन सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपका पेपर तो टफ था, ये तो सही है कि पेपर इस बार का टफ काफ़ी आया हुआ था। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, तो जो वैकेंसीज हैं वो पिछली बार से कुछ कम वैकेंसीज हैं, तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पर रहेगा। और दूसरी चीज़, इस बार शायद कुछ कम टाइम से स्टूडेंट्स लिए जाएंगे इन कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा नीचे गिरने नहीं देंगे, अगर आप हमारी राय माने तो। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हमारे अकॉर्डिंग आप लोग अपनी कट ऑफ देखते हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है ये जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये 95 प्लस जा सकती है। क्या जा सकती है? 95 प्लस जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। ज़्यादा बहुत कम नहीं जा सकती, 95। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी वो 94 के आसपास थी शायद जनरल की, तो इसलिए आपकी इस बार की जो कट ऑफ है 94 to 95 ही रहने वाली है, ज़्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैकेंसीज भी प्रीवियस ईयर से कम है और शायद कुछ कम टाइम स्टूडेंट भी प्री के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पर फैक्टर्स बनते हैं। दूसरी दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो इसमें भी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं रहता, ये भी लगभग 94 के आसपास ही रहने वाली है, 94 प्लस ही जाने वाली है, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी अगर आप हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं तो। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एससी की, तो जो एससी की का कट ऑफ है ये भी लगभग आपकी 90 प्लस के आसपास रहने वाली है। अगर आप यहाँ पर एससी की बात करते हैं तो ये भी आपकी जो 90 प्लस के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम एसटी की बात करते हैं, तो दोस्तों जो एसटी की कट ऑफ है ये भी आपकी 85 के प्लस के आसपास जाने वाली है। तो यह दोस्तों कुछ कट ऑफ प्रेडिक्शंस जो हमने यहाँ पर सही लगे वो हमने किए हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न तो पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी टफ था, मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी अच्छा पेपर सेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर इन प्रीवियस ईयर की अगर कंपेयर करते हैं, तो प्रीवियस ईयर में आपकी कट ऑफ जो गई थी वो 94 के आसपास गई थी जनरल कैटेगरी की, लेकिन वहाँ पर पेपर इतना टफ नहीं था। लेकिन इसकी वजह ये भी हो सकती है इस बार की कट ऑफ लगभग सेम रहने की, क्योंकि इस बार वैकेंसी प्रीवियस ईयर से कुछ कम है और साथ में कुछ कम टाइम से स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। और आपकी जो कट ऑफ मैंने बताई है कि जनरल की आपकी 95 के प्लस के आसपास रह सकती है, वो भी की आपकी वही 94-95 रह सकती है। अगर हम बात करते हैं एससी की, तो ये आपकी 90 के आसपास रह सकती है और एसटी की 85 के आसपास रह सकती है। तो यह दोस्तों हमारी कट ऑफ प्रेडिक्शन, अगर आप इसे सहमत नहीं हैं तो आप अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।